हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा लास्ट कम फर्स्ट सर्व रूल। इससे पहले हमने शेड्यूलिंग के 3 रूल्स पढ़े हैं, तो जो आज फोर्थ रूल है हमारा लास्ट कम फर्स्ट सर्व, ये जो रूल है बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल के। क्लियर है? तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता था, हम उस जॉब को प्रायोरिटी देते थे जो जॉब हमारे पास सबसे पहले अराइव होती थी। यही था इसमें, तो सीक्वेंसिंग में वो जॉब हम सबसे पहले रखते थे जो हमारे पास फर्स्ट अराइव होती थी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल का यही मतलब था। अब क्या है, हमारे पास लास्ट कम फर्स्ट सर्व में जो जॉब हमारे पास लास्ट अराइव होगी उसको हम सीक्वेंसिंग में पहले रखेंगे। ठीक है, प्रायोरिटी उस जॉब को देंगे जो हमारे पास लास्ट अराइव होगी। बस ये है इसका मतलब लास्ट कम फर्स्ट सर्व का। तो यानी ये दोनों मेथड्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे लास्ट कम फर्स्ट सर्व का, उसमें भी जो सीक्वेंसिंग बनेगी वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी किसके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रूल के। तो आज इसका हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास लास्ट कम फर्स्ट सर्व के हमारे पास 6 जॉब्स दी गई हैं, ए बी सी डी ई एफ। उनका प्रोसेसिंग टाइम दिया गया है और ड्यू डेट्स दी गई हैं। तो उन हमसे पूछा है सीक्वेंस निकाले, एवरेज फ्लो टाइम निकाले, एवरेज लेटनेस, एवरेज टार्डनेस और एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में क्या करना है, सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लास्ट कम फर्स्ट सर्व रूल में सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे पास ये टेबल है ये टेबल अकॉर्डिंग टू अराइवल ऑफ जॉब्स है। ठीक है, जो ये जॉब्स हैं ये अकॉर्डिंग टू अराइवल ऑफ उनका सीक्वेंस दिया होता है। मतलब जो ए जॉब है वो सबसे पहले अराइव होती है, बी जॉब सेकंड नंबर पे, सी जॉब थर्ड पे, इस तरह से सो ऑन। तो लास्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या है, जो लास्ट जॉब होगी तो लास्ट जॉब हमारे पास क्या है, एफ। उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीक्वेंस में हम रखेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या जाएगा, एफ। उसके बाद क्या होगा, प्रायोरिटी किस जॉब को मिलेंगे, जो एफ के बाद है यानी कि ई, सेकंड लास्ट जो अराइव हुई। देन थर्ड लास्ट कौन सी अराइव हुई थी, डी। ठीक है, देन फोर्थ लास्ट सी, देन बी, देन ए। तो ये ऑपोजिट है किसके, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के। ठीक है, तो हमारे पास जब ये सीक्वेंस आ गया तो इस सीक्वेंस से हमने वैसे ही फ्लो टाइम निकाल लेना है जैसा हम करते आ रहे हैं। ठीक है, वही मैंने लिखा है जॉब्स एफ ई डी सी बी ए, एफ ई डी सी बी ए। तो फ्लो टाइम कैसे निकलेगा एफ जॉब का, सबसे पहले हम एफ जॉब डालेंगे मशीन 1 पे 0 टाइम पे। एफ का हम प्रोसेसिंग टाइम देखेंगे 12 डेज या मिनट्स, जो भी उसकी यूनिट्स होंगी। 0 पे एंटर की, प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, किसी जॉब को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है। ठीक है, तो एफ जॉब को 12 मिनट्स या 12 डेज लग रहे हैं जो भी यूनिट्स होगी। तो 0 प्लस 12, 12th डे पे वो हमारे पास तैयार होके आ जाएगी। ठीक है, तो इन क्या होगा, फ्लो इन क्या होगा, 0, फ्लो आउट हमारे पास 12। देन ई जॉब 12th डे पे एंटर हो जाएगी क्योंकि एफ जॉब 12th डे पे कंप्लीट हो जाएगी। तो जब कंप्लीट हो जाएगी एफ जॉब तो ई जॉब हम एंटर करवा देंगे 12th डे पे। तो ई का हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग टाइम 5 डेज, 12th डे पे एंटर हुई, 5 उसका प्रोसेसिंग टाइम है। तो 12 प्लस 5, 17th डे पे वो फ्री हो जाएगी। देन 17th डे पे जैसे ही मशीन फ्री हुई तो डी जॉब हम एंटर करवा सकते हैं। अब डी का हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम क्या है, 10। 17th पे एंटर हुई, 10 उसका प्रोसेसिंग है, तो 27th डे पे वो आउट हो जाएगी कंप्लीट होके। ठीक है, देन मशीन फ्री हो गई तो सी जॉब हम एंटर करवा देंगे 27th डे पे क्योंकि डी जॉब हमारी कंप्लीट होगी 27th पे। सी का हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम क्या है, 4 डेज, 27 प्लस 4, 31st डे पे सी बी हो जाएगी हमारी कंप्लीट। देन बी जॉब 31st डे पे एंटर हो जाएगी, बी जॉब हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम क्या है, 8, तो 31 प्लस 8, 39 डेज पे वो कंप्लीट हो जाएगी बी जॉब। देन ए जॉब 39 डे पे एंटर हो जाएगी, कितना प्रोसेसिंग टाइम है का, 2 डेज, 39 प्लस 2, 41 डे पे वो कंप्लीट होके बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ड्यू डेट का एक कॉलम होता है, ये हम करते आ रहे हैं। तो ड्यू डेट सभी जॉब्स की जो उसके सामने है वही लिखनी है, इतना हमारे पास क्लियर है। एफ के सामने वाली 18 है ड्यू डेट, ई के सामने वाली ड्यू डेट 15। ठीक है, ये जल्दी जल्दी में गलती नहीं करनी। डी के सामने वाली 17, सी के सामने वाली 4,
बी के सामने वाली 16, ए के सामने वाली 7। उसके बाद हम क्या करते थे, लेटनेस निकालते थे। लेटनेस में अर्लीनेस और टार्डीनेस। अर्लीनेस क्या क्या मतलब है, हमारे पास जो फ्लो आउट के टाइम होते थे उसको हम माइनस करते थे ड्यू डेट से। अगर वो नेगेटिव में आते थे तो अर्लीनेस में लिखते थे, अगर वो पॉजिटिव में आते थे तो टार्डीनेस में। तो 12 12 -18 नेगेटिव में है तो वो अर्लीनेस में लिख लेंगे, यानी कि एफ जॉब जो है 6 दिन पहले तैयार हो गई। ठीक है, 17 -15 पॉजिटिव में है तो टार्डीनेस में, 27 -17 पॉजिटिव में है तो टार्डीनेस, 31 -4 27 पॉजिटिव में है टार्डीनेस, 39 -16 पॉजिटिव में है तो टार्डीनेस, 41 -7। ये चीज हमारी क्लियर है, क्लियर। उसके बाद हमसे पूछा क्या, सीक्वेंस। सीक्वेंस हमने बता दिया लास्ट कम फर्स्ट सर्व रूल में। ठीक है, बिल्कुल उल्टी एबीसी शुरू हो जाएगी नीचे से, ABCDEF। ठीक है, सीक्वेंस हमारे पास ही आ गया है। देन एवरेज फ्लो टाइम कैसे निकलता था, टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। टोटल फ्लो टाइम कैसे आएगा, जो फ्लो आउट की जो सारी टर्म्स है उसको ऐड कर देंगे, इनको ऐड करके टोटल फ्लो टाइम क्या आएगा, 167। बस एवरेज फ्लो टाइम निकाल लो, टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स, 6 जॉब्स हैं तो एवरेज फ्लो टाइम क्या आ गया, 27.83। यानी हर जॉब इतने दिन वर्क सेंटर पे हमारे पास रह रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज लेटनेस। कैसे निकलती थी एवरेज लेटनेस, सब जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं अर्लीनेस और टार्डीनेस के, इनको हम ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स कर देंगे। एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ जॉब्स। तो अर्लीनेस वाली टर्म्स क्या है, -6, इसको क्या ऐड करना है ये सारी टर्म्स से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज लेटनेस 27 + 23 + 34 डिवाइडेड बाय 6। तो एवरेज लेटनेस हमारे पास क्या आ जाएगी, 15 डेज। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट उसने पूछा है एवरेज टार्डीनेस, तो वो कैसे निकलेगी, जो टार्डीनेस वाली टर्म्स है उनको ऐड करके नंबर ऑफ जॉब्स के साथ डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज टार्डीनेस क्या आ जाएगी, 2 + 10 + 27 + 23 + 34 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स 6। तो एवरेज टार्डीनेस क्या आ जाएगी, 16 डेज। ठीक है, लास्ट उसने पूछा एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स कैसे निकलेगी, उसका क्या फार्मूला है, टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय मेक स्पैन। टोटल फ्लो टाइम हमने पता है 167 है, तो 167 डिवाइडेड बाय मेक स्पैन। मेक स्पैन क्या होता है, ये वाला लास्ट 41। तो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स क्या आ गई, 4.07 जॉब्स। तो सेकंड न्यूमेरिकल अब देखते हैं। ओके, तो सेकंड न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, जो लास्ट हमने फर्स्ट एग्जांपल की थी यहां पे मैंने 24 लिख दिया था, जबकि यहाँ पे 34 है। ठीक है, तो एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 16 ही रहेगी, क्योंकि मैंने ओवरऑल जो निकाली थी 16 डेज पहले से ही निकाल के रख दी थी, लिखते वक्त बस थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पे, तो ये 34 कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 2 है, हमारे पास 6 जॉब्स हैं, ABCD है, प्रोसेसिंग टाइम डेज में दिया गया है, ड्यू डेट डेज में दी हुई है। पूछा क्या, सीक्वेंस निकालो, एवरेज फ्लो टाइम निकालो, एवरेज डेज लेट, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लास्ट कम फर्स्ट सर्व। तो सीक्वेंस कैसे निकलेगा, जो जॉब हमारे पास लास्ट होगी एफ जॉब यानी, उसको हम सीक्वेंस में सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस हमारा एफ आ जाएगा सबसे पहले, देन सेकंड लास्ट जॉब नेक्स्ट आ जाएगी ई, देन थर्ड लास्ट, इस तरह से लास्ट कम फर्स्ट सर्व में ये सीक्वेंस हमारा उल्टा चलता है। ठीक है, देन इस सीक्वेंस से हमने क्या करना है, फ्लो टाइम निकाल लेना है जैसा अब तक करते आ रहे हैं। ड्यू डेट्स लिख ली मैंने, लेटनेस और अर्लीनेस का ये टेबल बना लिया पूरा कॉलम। नेक्स्ट उसने पूछा है एवरेज फ्लो टाइम, सीक्वेंस तो हमारा लिख लिया, एवरेज फ्लो टाइम कैसे निकलता है, टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स। तो टोटल फ्लो टाइम निकाल लो, कैसे निकलेगा, जो फ्लो आउट की ये सारी टर्म्स है उनको ऐड कर दीजिए, वो क्या हमारे पास, टोटल फ्लो टाइम। तो एवरेज के लिए
टोटल फ्लोर टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स क्या है 6, तो एवरेज फ्लोर टाइम हमारे पास 49.67 डेज आ गया। इतना क्लियर है? देन हमारे पास एवरेज डेज लेट पूछा उसने, इसका क्या मतलब है, एवरेज टार्डीनेस पूछ रहा है वो। एवरेज टार्डीनेस वाली टर्म्स को उसका एवरेज ले लो, ठीक है, इन सारी टर्म्स का 14 + 48 + 40 + 62 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आ जाएगी एवरेज 27.33 डेज। ठीक है, ऑन एन एवरेज इतनी जॉब्स जो है हमारी लेट हो रही हैं इतने दिन, सब सभी जॉब्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स पूछ रहा है, इसका क्या हमारे पास होता है टोटल फ्लोर टाइम डिवाइडेड बाय मेक स्पैन। टोटल हमें पता है मेक स्पैन हमारा 76 है, जो ये लास्ट वाला होता है, सभी जॉब्स को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको मेक स्पैन बोलते हैं। तो 298 डिवाइडेड बाय 76, ये हमारे पास 3.92 जॉब्स आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट शेड्यूलिंग रूल, और एंड में इन सभी को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।